हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो मोबाइल है वो लिनोवो का है, जिसका मॉडल P1MA40 है, जिसमें की प्रॉब्लम हमारे चार्जिंग से रिलेटेड। चार्जिंग शो तो करता है लेकिन परसेंटेज हमारा बढ़ता नहीं है। 13% से अभी तक हमारा जो 14% नहीं हुआ है। तो आज हम इस मोबाइल का फुल बाईपास सर्जरी करने वाला हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस मोबाइल को खोल लेते हैं। सबसे पहले हम बैटरी को आउट कर लेंगे, बैटरी के जेक को, और बैटरी को साइड कर देंगे, साइड में रख देंगे। और सबसे पहले हम चार्जर लगाकर टेस्ट करेंगे कि जो हमारा चार्जिंग सॉकेट और बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो हम मीटर को, मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर रखेंगे और आप देख सकते हैं जो हमारे बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहा, चार्जर भी लगा हुआ है, वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, 0.17 मीटर के आ रहे हैं। पर आप जैसे ही हम चार्जिंग सॉकेट पर चेक करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो 5.01 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो चार्जिंग सॉकेट वो सही है, जो प्रॉब्लम है हमारे बोर्ड से है। क्या करेंगे, हम बोर्ड पूरे मोबाइल को निकाल ओपन कर लेंगे, जेक वगैरह को। एक बार और हम चार्जर पर लगाकर टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारा बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट हम चार्जर पर चेक कर, चार्जिंग सॉकेट पर चेक करें तो चार्जिंग सॉकेट बिल्कुल सही है। तो और आप देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इस सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए हम 4148 जीना डायोड का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस डायोड है, जो कि आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहाँ पर ट्रांजिस्टर वगैरह, टीवी वगैरह का सामान मिलता है वहीं आपको मिल जाएंगे। अब हम मीटर को बजर की रेंज पर रखेंगे और हमारा जो वी बस का जो पॉइंट है उसको हम कहीं बाहर आसपास ढूंढ लेंगे, ताकि हमको जंपर वगैरह लगाने में प्रॉब्लम ना आए। तो हमें जो वी बस का पॉइंट है वो हमने चार्जिंग सॉकेट के पास में ही हमने ढूंढ लिया है। और अब हम इसको अभी टेम्परेली हम इस डाइवर्ट को अभी ऐसे अटका रहे हैं, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारा चार्जिंग सॉकेट जो चार्जिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या नहीं। तब हम ऐसे ही बोर्ड को भी अटका देंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से हो गया या नहीं। तो हम अभी इसको ऐसे ही नॉर्मली अटका कर चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, मीटर को हम 20 की रेंज पर रखेंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो 4.51-52 के आसपास आ रहा है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को आउट कर लेंगे और डायोड को रिमूव करके इसकी जो लेग है उसको कट कर देंगे, जितनी अपनों को ज़रूरत है उतनी ही इसका यूज़ करेंगे और छोटा कर देंगे, ताकि हमको इसको सेट करने में तकलीफ ना आए और कहीं ये शॉर्ट वगैरह ना हो। तो अब हम इसमें जंप वगैरह करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, जंपर वायर का यूज़ नहीं करेंगे, हम ईयरफोन के वायर का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने रेड वाला जो सिरा है वो वी बस पर लगा दिया है,
और जो प्लेग वाला सिरा वो हम बैटरी कनेक्टर की तरफ लगाएंगे। बैटरी कनेक्टर के वी बेट पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जीना डाइवर्ट को प्रॉपरली उसकी लेग छोटी कर लगा दिया है। अब हम एक बार और टेस्ट कर लेंगे चार्जर लगाकर। तो आप देख सकते हैं 4.4950 तक हमारा वोल्टेज अप्रोक्स आ रहा है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि आप हमने अच्छी तरीके से इसकी टेपिंग कर ली और डाइवर्ट को पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि कहीं शॉर्टिंग वगैरह ना हो। और अब हम मोबाइल को पूरी तरीके से फिट कर लेते हैं और आपको चेक करवा देंगे जो हमारा परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या नहीं। हमारा मोबाइल पूरी तरीके से फिट हो गया। और आप देख सकते हैं कि अभी 81% है और ये देख सकते हैं 83 हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।